Welcome to my channel. Hope you all are doing well. So if you're thinking about doing this butterfly haircut, do it. सबसे पहले बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है हम लोगों ने। मैंने पहले राइट साइड की पार्टीशन की है और पार्टीशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और जो बाकी के बाल हैं वो मैं पीछे बांध दूंगी। अभी राइट सेक्शन आ गया मेरे पास, इसी तरह मैं लेफ्ट सेक्शन भी लूंगी। और पीछे वाले बालों को बांध दूंगी। पीछे वाले बाल बांध दूंगी और आगे आप देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर पार्टीशन होगी, स्ट्रेट लाइन है। अब मैं बालों को वेट करूंगी। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने बाल 3 इंच काटने हैं तो वेट बाल आपने 2 इंच काटने हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद बाल ऊपर हो जाते हैं। मैंने अपने बालों को वेट कर लिया है। अच्छे तरीके से टेंगल्स निकालने हैं इनके। अब मैंने एक वी पार्ट लिया है आगे से, इसको मैंने वेट किया है। ये जो वी पार्ट मैंने लिया है ये मेरी गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन की मदद से मैं बाकी सारे बाल काटूंगी। तो मेक श्योर कर लें कि आपको अपनी जो फ्रंट लेयरिंग है वो कहाँ से चाहिए। मुझे फ्रंट लेयरिंग जो है वो अपने नोज़ तक चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको चिन तक काटा है, चिन से थोड़ा सा ऊपर, कि जब ड्राई होके ब्लू ड्राई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा नोज़ तक। मैंने स्ट्रेट कट किया है यहाँ पर। अब मैंने जो गाइडलाइन ली थी उसकी मदद से जो मैंने बैक से बाल लिए हैं उसको मैं टेढ़ा काटूंगी, सीधा नहीं काटना। जब गाइडलाइन ली थी तो मैंने सीधा काटा था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगी बालों को और टेढ़ा काटूंगी। और आप देख सकते हैं कि जब मैं नीचे करूंगी तो बाल खुद ब खुद ही लेयर में आ जाएंगे। अब इसी गाइडलाइन की मदद से मैं बाकी के बाल भी काटूंगी। बालों को काटने के बाद रीचेक भी करना है कि कोई स्टैंड या कोई पार्ट रह तो नहीं गया, या वो सही कटा है।
आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड की पार्टीशन मैंने ली थी वो ऑलरेडी लेयर में आ गई है। अब मैं राइट साइड की पार्टीशन लूँगी। और जैसे मैंने पहले लेफ्ट साइड की पार्टीशन में काटा था इसी तरीके से मैं पीछे से पाल लूँगी और अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको टेढ़ा काट दूँगी। गाइडलाइन आप देख सकते हैं पीछे, ये मेरी गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग मैं काटूँगी। फ्रंट पे जो बाल होते हैं उनको चेक करने के लिए कि वो दोनों साइडों से बराबर हैं कि नहीं हैं, मैंने एक स्क्वायर पार्ट लूँगी, उसको अच्छे से डिटेंगल करूँगी और बाकी के जो पार्ट्स हैं साइडों पे उनको मैं किसी क्लिप की मदद से बांध दूँगी ताकि वो बीच में ना आए। अब देखें आप, मैंने डिटेंगल किए अच्छे तरीके से किए और ये मेरे बाल इस टाइम पे ड्राई हैं। मैं उनको ऊपर तक लेके जाऊंगी और जो मेरी लास्ट गाइड लाइन है उसके अकॉर्डिंग में स्ट्रेट काट दूंगी। ये देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी फर्क आ जाता है, तो अब मैं इसको स्ट्रेट काट दूंगी ताकि दोनों साइडों पर इक्वल बाल हो जाए। अब मैं राइट साइड के बालों को क्लिप की मदद से बांध दूँगी और जो मेरे लेफ्ट साइड के बाल बीच में मैंने बांधे थे उनको खोलूँगी। अब उनकी बारी कटिंग करने की। मैंने अच्छे से इसको वेट किया। अब मैंने क्राउन एरिया लिया है, जितने स्मॉल सेक्शंस होते हैं उतने बाल अच्छे और नीट करते हैं। अब जो मैंने आगे के बाल काटे थे अब वो मेरी गाइडलाइन है, मैं उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने पीछे के बाल भी काटूंगी। आप देख सकते हैं मेरी गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग मैं जो बाल काटूंगी वो टेढ़े काटूंगी, सीधे नहीं काटने आपने।
अब देखिए लेयर बन गई है। इसी तरीके से मैं सेकंड पोर्शन लूँगी अपना। सारे के सारे बाल इसी तरह गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काटती रहूंगी।
अम्मा मेरी लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी देख सकते हैं और मेरी ओरिजिनल लेंथ भी कम नहीं हुई है। मैंने अपनी ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग ही बाल काटे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे बाल, अभी मैंने ब्लू ड्राई नहीं किया है और ये लेयर्स में नज़र आ रहे हैं और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है। लेयर कट या बटरफ्लाई कट का फ़ायदा ये होता है कि आपके बालों का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने ये ब्लू ड्राई किया है, मैंने आउटवर्ड ब्लू ड्राई किया है और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। आप चाहें तो इनवर्ड ब्लू ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आउटवर्ड ब्लू ड्राई करने से वॉल्यूम और इंक्रीज़ होता है। Thank you for watching.